नमस्कार, मेरे यानी विष्णु कुमावत के साथ आप इस वक्त द विंडो पर हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। साल 1971 के दिसंबर का 8वां दिन था। भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव के पास पाकिस्तान जबरदस्त गोलाबारी कर रहा था। यहाँ लगातार 16 बम गिराए जा चुके थे। इस बमबारी का शिकार इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप हुई, यानी वो सड़क जहाँ से प्लेन उड़ान भरते हैं। ये पट्टी गोलाबारी से पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जंग के बीचों बीच इंडियन एयरफोर्स के विमान का उड़ान न भरना बहुत बड़ी चूक हो सकती थी। वायुसेना ने BSF से मदद की बात कही, लेकिन इस एयर स्ट्रिप को ठीक करने के लिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। मुसीबत के समय में आगे आए भुज नाम के गांव के 300 लोग, जो अपनी जान पर खेलकर ये एयर स्ट्रिप बनाने को तैयार हो गई। इनमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। देश के लिए सेवा के इस मौके को भुज के माधवपुर गांव की महिलाओं ने जाने नहीं दिया और सभी ने केवल 72 घंटों के भीतर एयर स्ट्रिप बना डाली। उन दिनों को याद करती हुई बलवाई सेघानी कहती हैं, 9 दिसंबर 1971 की रात को मुझे लगा कि मैं एक फ़ौजी हूँ। जिस वक्त हमें ये बताया गया कि हमें जहाँ रोड बनानी है वहाँ लगातार बमबारी हो रही है, हम में से एक भी महिलाएं पीछे नहीं हटी, उल्टे दुगनी उत्साह के साथ काम करने लगी। हम 300 महिलाएं थी। हम सभी अपने घर से इस इरादे से निकली थी कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर अपने पायलट्स के लिए हमें रोड बनानी है, ताकि वो उड़ान भर सके। अगर हम मरते भी तो देश के लिए मरते। गाँव वालों के अलावा यहाँ के सरपंच जादव जी भाई हिरानी और यहाँ के DM ने भी महिलाओं को प्रोत्साहित किया। साथ ही वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक ने भी इन महिलाओं का हौसला बढ़ाया। 1971 की लड़ाई में कर्णिक भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे। ये रोड बनाना आसान नहीं था। सभी महिलाएं अफसरों के निर्देश पर काम कर रही थी। जैसे ही सेना को पाकिस्तान के विमान आने का अंदेशा होता, महिलाओं को सिग्नल दिया जाता और वो झाड़ियों में छुप जाती और फिर एक और सायरन बजाया जाता, जिसका मतलब था काम शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान तक एयर स्ट्रिप बनने की खबर न पहुँचे, इसके लिए लोगों को सड़क बनते ही इस पर गोबर ढकने को कहा गया। यहाँ काम करने वाले कई लोग पहले दिन भूखे ही सोए, क्योंकि उन्हें बंकर में रहना था। अगले दिन किस्मत से उन्हें फल मिल गए थे, जिससे उनका काम चल गया था। चौथे दिन शाम 4 बजे एयर स्ट्रिप उड़ान के लिए तैयार थी। ये पल इन सभी के लिए जीत से कम नहीं था। खासकर जिस तरह की सिचुएशन में ये काम कर रहे थे, जंग के 3 साल बाद उन्हें इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया गया, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्होंने ये काम अपने देश के लिए किया है और कुछ समय बाद इन महिलाओं के नाम पर इन्हीं के गांव माधवपुर में वीरांगना स्मारक बनाया गया। इन महिलाओं ने जो किया वो सही में एक वीरांगना ही कर सकती है। भुज की महिलाओं की इस कहानी को अजय देवगन एक फिल्म के रूप में लेकर आ रहे हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से इस फिल्म का पोस्टर 2019 में रिलीज किया गया था। अब ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर भी हैं। अभिषेक दुधैया ने इसे लिखा है और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर जल्द ही प्रीमियर किया जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? फिल्म, साहित्य, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े तमाम किस्से, खबरें, कहानियाँ हम आप तक पहुँचाने का काम करते हैं, करते रहेंगे। इसके लिए आपको काम करना होगा ताकि आपको वो अपडेट्स लगातार मिल सके। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।